जयपुर में इन दिनों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल के मौके पर आज हमारे बीच हैं मंजूर अली साहब, जिनकी फिल्म राम रहीम का आज अभी यहाँ पर शो होने वाला है। तो सर, थोड़ा सा आप अपनी फिल्म के बारे में बताएं। फिल्म है महारो राम रहीम। आज के ज्वलंत समस्या सांप्रदायिक एकता पर आधारित फिल्म है और सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित फिल्म है महारो राम रहीम। और जिस तरह की गंदी राजनीति आज हमारे देश में चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक फिल्म बनाई है। क्योंकि हम राजनेता तो है नहीं कि अपनी बातें विधानसभा में जाके कहें, लेकिन बींग ए फिल्म मेकर होने के नाते मैं इसको एक फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश को जिस तरह के षड्यंत्र रच के दो भाइयों को आपस में लड़ा के राजनीति जो कर रहे हैं, उसी पर आधारित फिल्म है महारो राम रहीम। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं राजस्थानी सरकार की ओर से राजस्थानी सिनेमा के लिए, तो अक्सर यह पाया जाता है कि जो सब्सिडी है वो ऊँट के मुँह में जीरे की तरह हमें मिलती है, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप गंगवाल जी, कि आज हमारा ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि अदर स्टेट में जिस तरह की सब्सिडियाँ फिल्मों को दी जा रही है, उसके अनुरूप हम लोग कहीं भी नहीं अड़ पा रहे हैं। और मेरा राज्य सरकार, आज की सरकार से भी ये निवेदन है कि इसको, इस सब्सिडी को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि राजस्थानी सिनेमा के लिए जो गति हुआ करती थी वो गति घटती जा रही है। और इस महंगाई के दौर में जो सब्सिडी दी जा रही है वो बड़े सोचने वाली बात है। और मैं तो सरकार से कह रहा हूँ कि 25 से 30 लाख रुपए तक कम से कम होनी चाहिए सब्सिडी, तब जाके एक प्रोड्यूसर जिंदा रह पाएगा राजस्थानी सिनेमा के लिए। 80 के दशक में राजस्थान सिनेमा बहुत आगे बढ़ रहा था। कोई भी फिल्म लागती थी तो दो दो महीने तक चलती थी, और अगर गाँव में सिनेमा में यह फिल्म लागती तो लोग ट्रैक्टरों में भरीज भरीज लाता था। मगर 80 के 90 के दशक में आते आते राजस्थान सिनेमा 2007 तक मर्त पाया गया। इसके बीच में कोई फिल्में बनी नहीं, एक ही दो की कोई फिल्में आई थी तो वो फिल्में कुछ कर नहीं पाई थी। 2007 के बाद में वापस राजस्थानी फिल्में बनने लगी, बनते 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 बहुत सारी, और पिछले साल तो 8-10 फिल्में बनी। और सरकार भी इसमें कुछ 10 लाख अनुदान के तहत सब्सिडी भी दे रही है, मगर 10 लाख पिछले 5 साल में किसी फिल्म को दिया ही नहीं गया आज तक। 2-3 लाख रुपया देते हैं, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है। मैं तो कहता हूँ सब्सिडी भली बंद कर दो पूरी, कम से कम राजस्थान के जितने भी सिनेमा है उनमें महाराष्ट्र के तर्ज के ऊपर 100 राजस्थानी फिल्म चलाने का अगर अनिवार्य कर दे तो राजस्थान सिनेमा बहुत ही आगे बढ़ सकता है। जैसे साउथ के सिनेमा बढ़े हुए, इसी प्रकार से राजस्थान के सिनेमा भी बढ़ सकते हैं। मैं रेनू कक्कड़, और मौसर में मैं देव की माँ बनी हूँ, और माँ होने के नाते मैं यही बताऊँगी कि राजस्थानी फिल्मों में जो ये कुरीति का हमने दिखाया है, इसका महिलाओं पे, खासकर माओं पे, जो एक गृहिणी है, जो एक बेटी है, बहू है, उन पे बहुत असर हुआ है। मैंने महिलाओं की आंखों में आंसू देखे हैं, क्योंकि ये कुरीति अभी भी चलती है गांव में, तो कहीं ना कहीं तो महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस चीज़ से। तो हमने यही कोशिश की है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंसान तो भूखे बैठे हैं और काफ़ी मतलब पेट भरे हुए भी हैं जो ये भोजन कराया जाता है। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के लिए, क्योंकि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में ये जो कोशिश है ये बहुत आगे अच्छी कोशिश है। मेरा मानना है ये राजस्थान फिल्मों के लिए एक वरदान साबित होगी। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, कि राजस्थानी फिल्मों का उतना बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रिफ। जिस लेवल पर ये इंटरनेशनल और लोकल फिल्मों को भी बूस्ट कर रहे हैं, हेड्स ऑफ, बहुत दिल खुश हुआ। और इनकी बदौलत एक थिएटर मिला, फिल्म के दर्शक मिले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे एक एनवायरनमेंट बनेगा राजस्थानी फिल्मों के प्रति और भी अच्छा इंटरेस्ट होगा। क्योंकि फिल्मों में कुछ न कुछ तो, चाहे वो कितनी भी सस्ती बने कैसी भी हो, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही है। और इसमें एक संदेश है जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। तो रिफ को बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और इसका एनवायरनमेंट राजस्थानी फिल्मों के लिए अच्छा रहेगा। राम राम, मैं अनिल सैनी, मौसर फिल्म का डायरेक्टर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रिफ को, सोमेंद्र जी को, जिन्होंने हमारी मूवी आज यहाँ पे प्रीव्यू करी, और जो लोगों का रेस्पॉन्स था, जो उम्मीद थी मुझे उतना ही रेस्पॉन्स मुझे मिला। और मूवी मौसर, मौसर का मतलब होता है मृत्यु भोज, जब आदमी एक्सपायर हो जाता है उसके 12वें को करते हैं। तो आज भी शहरों को छोड़ दे, गाँव में ये स्थिति बहुत चल रही है मौसर की, कि एक गरीब किसान
अपनी ज़मीन बेच के कुछ भी बेच के लाता है और उसको मोसर करना होता है, तो फिर वो आगे क्या सर्वाइव करेगा, तो उसी को दर्शाती है। एक इसमें हमने कॉन्सेप्ट में वो डाला आटा साटा जो आजकल चल रहा है कि एक गांव के बदले लड़की दोगे तो उस गांव से एक लड़की ले लो, तो वो भी एक तरह से बुरी पड़ता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जो यूथ आ रहा है बिल्ड होके तो उसको भी नुकसान हो रहा है। और मोसर सब्जेक्ट तो ऐसा है जो मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है लास्ट में मूवी में, तो वो क्वेश्चन मार्क इमोशनली छोड़ा है और वो सीधा डायरेक्ट पब्लिक के अटैक कर रहा है। और जो रेस्पॉन्स मुझे आज मिला यहाँ शहर में देखने के बाद, तो डेफिनेटली है कि गांव में जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो गांव वाले इमोशनली होकर इस प्रथा के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएंगे।